सीधा मुद्दे पे आऊंगा, यहां वहां की कोई बात नहीं करूंगा, आपको मैं 6 पॉइंट 6 टिप्स बता रहा हूं जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। लेकिन क्या यह रास्ता आसान होगा? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जादू का मंत्र नहीं है, छड़ी घुमाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, फोकस बढ़ गया, पढ़ाई अच्छी हो रही है, नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। अगर आप इन चीजों को, इन पॉइंट को अच्छे से अप्लाई करते हो अपने जीवन में, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी फ्रॉम डे वन। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर वन, एक टू डू लिस्ट बनानी है। रोज रात को सोने के पहले एक पेपर लो या फिर आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने लिख देना है कल के दिन आप क्या करोगे। सुबह उठते ही आपको क्या क्या करना है, आपका प्लान क्या है पूरे दिन के लिए, वो आपको रात को प्रिपेयर करके रखना है। क्यों? ताकि सुबह जब आप उठो, यू वेक अप विद अ पर्पस, आपको पता है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज आपने कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी चीजें प्लान कर रखी हैं, आपको पूरे दिन का शेड्यूल पता है, टाइम टेबल पता है, पूरे दिन का काम आपको क्या करना है वो आपको पता है। यू वेक अप विद अ पर्पस। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है फॉर एग्जांपल, उसके नोट्स आपने निकाल के रखे हैं, उसकी नोटबुक है, उसकी टेक्स्ट बुक है, जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है, पेंसिल, पेन, स्केल, एवरीथिंग इज रेडी ऑन योर टेबल एंड यू स्टार्ट स्टडी इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यू वेक अप विद अ पर्पस। नोट्स अगर आपके पास नहीं है, हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के साइंस के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारी और बातें भी टेलीग्राम के ऊपर करते हैं, अपडेट्स वगैरह हैं, हमारे साथ एक पर्सनल कॉन्टैक्ट है टीचर्स के साथ, हर चीज चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर टू, पोमोडोरो टेक्निक, काफी फेमस टेक्निक है, बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथड फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड मेंटली फ्रेश। आपको क्या करना है, यू पिक अ टास्क, मान लिया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने एक टास्क पिक कर लिया, 25 मिनट का टाइमर लगाओगे, 25 मिनट तक आपने उस टास्क को करना है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। फोन को आप बंद कर दो, एयरप्लेन पे डाल दो, स्विच ऑफ कर दो, साइड में रख दो, ठीक है, वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइम इज अप। शांति से पढ़ाई करो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। 25 मिनट पढ़ाई किया, देन यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक में फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा फोन चला लो, शॉर्ट्स और रील्स इन चीजों में मत पढ़ना। 5 मिनट का 15 हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, टाइम आपका वहां पे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है जितना मैं समझता हूँ रील्स एंड शॉर्ट्स में। तो फोन अगर आप चला रहे हो, मैसेजेस वगैरह चेक कर लिए, थोड़ा यूट्यूब पे हल्का सा कोई वीडियो चालू करके देख लिया, फिर भी 5 मिनट का टाइमर लगा के आपको यह करना है। दीदी को परेशान कर लो, भाई को परेशान कर लो, मम्मी को परेशान कर लो, कुछ भी कर लो, 5 मिनट में फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 25+5 इसको हम एक पोमोडोरो बोलते हैं, तो एवरी 4 पोमोडोरो मतलब 2 घंटा पढ़ने के बाद यू कैन टेक अ लॉन्गर 15 to 30 मिनट का ब्रेक। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है, 2 घंटा आपको पढ़ना है, 4 घंटा आपको पढ़ना है एट अ स्ट्रेच, तो इस टेक्निक को अप्लाई करके 25 मिनट 5 मिनट 25 मिनट 5 मिनट इस तरह से आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। अप्लाई करके देखना, ठीक है, मुश्किल काम है लेकिन अप्लाई करके देखना, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। नंबर 3, हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडी। अब बहुत सी दिक्कत आती है कि हमारी 6 से 7 घंटे की स्कूल हो गई, 4 घंटे का कोचिंग हो गया, 7 घंटे की 6 घंटे की नींद हो गई, तो बहुत सारा टाइम हमारा इन चीजों में चला जाता है। सेल्फ स्टडी करने के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है, प्लस स्कूल का होमवर्क है, राइटिंग वर्क है, खाना पीना भी है, थोड़ा सोशल लाइफ भी होता है हमारा, दोस्तों से मिलेंगे, बात करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो पूरा दिन हमारा इन्हीं चीजों में खत्म हो जाता है। तो पढ़े कब, सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ है? सेल्फ स्टडी का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कहां से निकालोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप 7 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो रहे हो तो 5.5 घंटे सो जाओ, थोड़ा आपको आधा घंटा पौना घंटा जल्दी उठना पड़ेगा बिफोर स्कूल, एंड सुबह बिफोर स्कूल, स्कूल जाने के पहले आप रिवाइज करके जाओ जो भी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, आज जो भी टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा उसका रिविजन करके, या फिर एक बार देख के जाओ कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, ये आपको बिफोर स्कूल करना है। स्कूल से आने के बाद, अच्छा ड्यूरिंग स्कूल ऑल्सो, कुछ अगर राइटिंग वर्क मिला है, होमवर्क मिला है, अगर आपके पास फ्री पीरियड मिल जाता है स्कूल के बीच में कहीं पे भी, होता है काफी बारी पीरियड को लेक्चर कैंसिल हो गया या पीटी पीरियड आ गया जहां पे कुछ कर नहीं रहे, सेल्फ स्टडी का टाइम दिया स्कूल में भी मिलता है, तो वहां पर आपने राइटिंग वर्क जितना है आपका वो फिनिश कर देना है, ठीक है, वहीं पे दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करेंगे तो वो भी आपका समय चला गया, तो वो नहीं करना है। राइटिंग वर्क अगर आपका है तो स्कूल में आप उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए, सो दैट घर पे आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाए। उसके बाद बिफोर गोइंग टू क्लास, अगेन क्लास जाने के भी आधा पौना घंटा पहले थोड़ा टाइम निकाल के निकालना पड़ेगा। अगर आप घर आके थोड़ा खाना वाना खा के रेस्ट करते हो तो रेस्ट का जो आपका टाइम है उसमें से आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, एंड क्लास में जो होने वाला है या फिर पिछले लेक्चर में जो कोचिंग में कराया था उसको आपको रिवाइज करके जाना है। रिविजन इज द की। स्कूल जाने के पहले आप रिवाइज कर रहे हो, स्कूल में आपका राइटिंग वर्क वगैरह थोड़ा होमवर्क आप स्कूल के अंदर कर देते हो, कोचिंग जाने के पहले आप रिवाइज कर रहे हो, कोचिंग से आने के बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम क्लास अब आपका जितना राइटिंग वर्क बचा हुआ है, जो लर्निंग थोड़ी आपको करनी है वो आप कीजिए, रिविजन कीजिए, स्कूल में जो कराया कोचिंग में जो कराया उसका फटाफट रिविजन करते जाइए। रोज अगर आप किताब पढ़ते हो, रोज अगर आप रिवाइज करते हो तो ही आप कंसिस्टेंटली ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर पाओगे। रोज पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि यार एग्जाम के पहले थोड़ा देख लेंगे, अभी सिर्फ नोट्स वगैरह लिख के रख देते हैं, पढ़ने का काम हम बाद में करेंगे, नहीं चलेगा। रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिफोर स्लीपिंग समझ लो 12 बजे आपको नींद आती है, प्रॉपर गहरी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो 11 से 12 का जो समय है उसमें आप कुछ और लर्निंग कर लो, कुछ रिविजन कर लो, दूसरे दिन स्कूल में क्या होने वाला है या फिर दिन में आपने जो कुछ पढ़ा है उसका एक बार फिर से गो थ्रू करो, या फिर जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो करो, एंड वो करते करते ही आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, देन आपने सो जाना है।
ठीक है, 7 घंटे सो रहे हो तो 1 घंटा वहां से निकालना पड़ेगा, 6 घंटा सोना पड़ेगा। अगर 6 घंटा सो रहे हो तो उसमें से भी आपको आधा पौना घंटा निकालना पड़ेगा, 5.25 घंटे 5.5 घंटे सोने पड़ेंगे। मुश्किल काम है, इजी नहीं है, बट अगर करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एक बैलेंस्ड टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल का स्केलेटन बना के दे रहा हूं, सेम टू सेम फॉलो नहीं करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कीजिए। डेफिनेटली मंडे को आप क्या कर रहे हो, आपने साइंस और मैथ्स किया, दिन में मैं 2 सब्जेक्ट रख रहा हूं, साइंस और मैथ्स। मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, तो मैथ्स हम 2 दिन रखेंगे। ट्यूसडे को मैंने सोशल स्टडीज SST सोशल स्टडीज और मैथ्स लिया, SSN मैथ्स। आपको अगर मैथ्स इजी जाता है तो SST का टाइम बढ़ा दो या साइंस का टाइम बढ़ा दो, दैट्स अप टू यू, यू कैन मॉडिफाई द टाइम टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। वेडनेसडे को हम लैंग्वेजेस भी ले रहे हैं, लैंग्वेज के साथ हम रिविजन भी कर रहे हैं। रिविजन मतलब जो मंडे एंड ट्यूजडे को हमने किया उसको हमसे उसको फिर से करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज एक चीज पढ़ी 10 दिन बाद पढ़ोगे, आप भूल जाओगे उसको। आज अगर आपने कुछ मेमोराइज करा है, कुछ लर्न करा है, कुछ पढ़ा है, 2 दिन बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, 4 दिन बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार रिवाइज करने के बाद वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो उतने रिविजन तो रिक्वायर्ड है, 3 से 4 रिविजन हर टॉपिक के रिक्वायर्ड हैं ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रह पाए। ठीक है, तो वेडनेसडे को आपने रिविजन किया, लैंग्वेज किया। थर्सडे को आप फिर से साइंस और मैथ्स ले रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। फ्राइडे को SST एंड मैथ्स ले रहे हो, सैटरडे को फिर से लैंग्वेज एंड रिविजन ले रहे हैं, एंड संडे को हम रिविजन कर रहे हैं। अगर हमारा हफ्ते भर का कुछ बैकलॉग बचा है, आपने कुछ प्लानिंग की थी कि हफ्ते में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आप संडे को बैकलॉग की तरह उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है स्कूल में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो हफ्ते में 1 दिन की आप छुट्टी भी मार सकते हैं। उस दिन भी आपका कोई बैकलॉग है, कुछ भी आपको कंप्लीट करना है, पूरा दिन बैठकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। संडे को भी आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वीक में भी आप कहीं पे भी टेस्ट दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कोचिंग। वो तो कोचिंग वाले अपनी टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड टाइम टेबल्स, हर चीज को हमने टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, वीकली प्लानिंग, प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है, हफ्ते में प्लान करना जरूरी है। ठीक है, फिर नंबर 5, ट्रैक योर एक्टिविटीज। पूरे दिन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं जहां पे हमारा टाइम चला जाता है, भले 15 मिनट के लिए भी आपने फोन लिया है, लेकिन वो 15 का कभी 25 मिनट हो गया, कभी आधा घंटा हो गया। तो आपको एक ट्रैक रखना है, मेंटल ट्रैकिंग करनी है कि मेरा टाइम कहां 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 बर्बाद हो रहा है। मैं बस ऐसे बैठा हुआ था, थोड़ा घड़ी को देख रहा था, थोड़ा टीवी को देख रहा था, मम्मी से बात कर रहा था, या जो भी कर रहा था, उन चीजों में भी एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम अगर जा रहा है तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है, वही टाइम में आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो डेली ट्रैक रखना, एक मेंटल ट्रैक रखना कि अरे हाँ, यहां पे मेरा टाइम चला गया, यहां मेरा ज्यादा टाइम चला गया। वो ट्रैक रखोगे तभी आपको पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी का टाइम कहां से निकलेगा। तो योर ट्रैकिंग योर एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो, कितना टाइम आप फोन चला रहे हो, हर चीज का एक ट्रैक रखना जरूरी है। फोन के अंदर भी आपको दिखेगा ना कि आपका फोन या फिर आपकी जो स्क्रीन टाइम है वो कितना यूज हुआ है डेली बेसिस पे, कौन से ऐप्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम गया है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो कीपिंग अ ट्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चले। एंड यही ट्रैकिंग फाइनेंसिस में बोलते हैं, मतलब जब आप कमाने लगोगे तो अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए भी ट्रैक करना, आपका खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ। डेली बेसिस में हम यहाँ वहाँ 30 रुपये 100 रुपये 50 रुपये बहुत सारे खर्च कर देते हैं, लेकिन पूरे दिन में फिर हम जब एक कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 रुपये खर्च हो गया, तो उसी तरह से 5 मिनट यहाँ चले गए, 10 मिनट यहाँ चले गए, 15 मिनट यहाँ चले गए, फिर पता चला हमने 4 घंटे बर्बाद कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रैक योर एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट कैसे करते हैं, कौन से टाइप के टारगेट्स होते हैं, हमें मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स सेट करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए साइंस मैथ और SST की अगर मैं बात करूं तो साइंस में मेरे पास 13 चैप्टर हैं, मैथ्स में 14 है, SST में 20 चैप्टर हैं। अभी मान लो 20 जुलाई चल रहा है, ठीक है, मिड जुलाई पकड़ता हूं, मुझे मिड दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मेरे पास 5 महीने हैं, 5 मंथ्स। तो 13/5, 14/5, 20/5। अब मैं यहां पे मंथली टारगेट सेट करूंगा, ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं जो मेरे को 5 महीने में कंप्लीट करने हैं, तो मेरा मंथली टारगेट कैसा बनता है, देखो साइंस की बात करें 2.6 चैप्टर पर मंथ, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 3 पकड़ के चलता हूं, ठीक है, थोड़ा ऊपर पकड़ के चलते हैं ताकि हमारा सिलेबस जल्दी भी हो जाए, ताकि थोड़ा प्रेशर भी बना रहे। तो 3 चैप्टर आपके 1 महीने में होने चाहिए, तो 10 दिन में आपका 1 चैप्टर हो गया। ये आपको मंथली टारगेट पता चला, वीकली टारगेट भी पता चल गया, है ना, 10 दिन में आपको 1 हफ्ता और 3 दिन आपके पास है 1 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो फिर डेली टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा कि आज मेरा इतना इतना चैप्टर हो जाना चाहिए ताकि मैं इसका 1 शॉट देख लूं, इसकी मुझे NCERT भी पढ़नी है, इसका मुझे PYQ भी करना है, इसका मुझे इंडेक्स भी करना है, इसकी मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, इसके एग्जाम्पलर भी करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको उस 10 दिन में उस 1 चैप्टर का सब कुछ करना है, तो उस तरह से आप डेली टारगेट भी सेट करोगे, डेली प्लानिंग करोगे। ठीक है, मैथ्स की बात करें 14/5, 2.8 होता है, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 3 पकड़ के चलो, तो वही चीज हो गई, जितना साइंस में आपको देना है टाइम उतना ही मैथ्स को भी देना आपको। एंड SST में बात करें तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स पर मंथ का हिसाब आता है, 4 चैप्टर्स पर मंथ, तो 1 चैप्टर पर वीक, एंड उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये चीजें आसान है, नहीं। सबसे मुश्किल काम क्या होगा पता है, एक आपका जो डेली रूटीन है उसमें से आपको अगर सेल्फ स्टडी का 3 से 4 घंटे का टाइम निकालना है, सबसे मुश्किल काम वही होगा, टाइम निकाल पाना, बिकॉज बहुत सारी चीजों में टाइम चला जाता है, फिक्स टाइम है, 6 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, चलो वहां चली गई, फिर आपका कोचिंग आप जा रहे हो 4 घंटा, वो आपका चला गया, 7 घंटे की स्कूल है उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, तो बहुत सारी
ऑलमोस्ट कितने हो गए, 7 + 7 + 4 = 11 + 6 भी पकड़े तो 17 to 18 hours इन चीजों में चले गए। आपके पास बच्चे 6 घंटे, 6 घंटे में आप कितना खाना खाओगे, कितना थोड़ा रेस्ट करोगे एंड 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, कैसे करोगे? मुश्किल काम है, निकालना पड़ेगा वो टाइम, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट एट द एंड। तो बस ज़्यादा और बातें नहीं करूंगा, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंड कमेंट्स में बताइए आपका जो भी फीडबैक है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय।